वहीं उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदू संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। एक मिनट में पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी सरकार के नेम प्लेट फरमान पर सुप्रीम रोक के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने दुकान के बाहर नेम प्लेट लगाए, जिसका जवाब कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान के पोस्टर से दिया। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जय सिया राम आओ लगाओ मोहब्बत की दुकान के नारे लगाए, तो वहीं कांग्रेस की नेता डॉली शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, लगातार जिस तरीके से लोगों को धर्म और जात में बांटकर भारतीय जनता पार्टी ये जताना चाहती है कि हमारे देश में एकता का कोई रोल नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे नेता ने जिस तरीके से कहा मोहब्बत की दुकान, उसमें ना कोई धर्म है ना कोई जात है, सब एक साथ हैं, सब एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ खड़े हैं। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की जय जयकार के नारे लगाए। तो देखिए, कांग्रेस ने ये पोस्टर चस्पा किए हैं मोहब्बत की दुकान के नाम से, और ऐसे में अब सरकार पर प्रहार करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है।